24 न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के दबंगों की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के इलाहाबाद में एक दिव्यांग व्यक्ति की जमीन पर तमंचे के जोर पर दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर कई सालों से कब्जा जमा रखा है। आइए देखते हैं अराइव 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि भगवत दास दिव्यांग उनकी जमीन पर सुशील कालीदीन ने जबरदस्ती अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया है। भगवत दास अपने परिवार के साथ ग्राम उम्मापुर परगना तहसील में रहते हैं। भगवत दास ने बताया कि सुशील कालीदीन ने बिना बताए जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। प्रशासन की ओर से दिव्यांग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यूपी सरकार से गुहार लगाई लेकिन सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुशील कालीदीन ने सरकार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, तहसीलदारों को पैसा देकर जमीन को फेर लिया है। आखिर कब तक ऐसे अजदायों पर दबंग अपना और आजमाएंगे? यहाँ प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। आखिर कब तक गरीबों की आवाज को दबाया जाएगा? हर पल की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अराइव 24 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।